नमस्कार फ्रेंड। और आज का मैसेज जो है, खास मेरा जो क्लासेस अहमदाबाद में होने जा रहा है, तो मैं अपने सभी नए स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अहमदाबाद मेरे लिए नया रहेगा, लेकिन जो भी टूटा फूटा ज्ञान मुझको आता है वो सिखाने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। खास तौर से इस बार मैंने अहमदाबाद इसलिए चुना कि अहमदाबाद में बहुत ही अंधविश्वास चलता था। लोग धरावी की, यहाँ की, वहाँ की, वो किलो के हिसाब से हीलिक्स निकालते थे। उनको खुद को नहीं मालूम हीलिक्स बनी कहाँ से है, उसकी साइज आई कहाँ से है, हीलिक्स का सेफ कहाँ से आया है, आज तक किसी को नहीं मालूम है। बस उनको हेलिक्स चाहिए, हेलिक्स चाहिए, किसी भी प्रकार के हेलिक्स हो, चाहे आदमी मरे चाहे जिंदा रहे, वो हेलिक्स उनको डालना था। तो मेरा एक क्लासेस हुआ था बॉम्बे में, उसमें चेतन पटेल भाई और गुप्ता जी जो थे वो आए हुए थे। उन्होंने कहा सर एक बार आपको अहमदाबाद आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हेलिक्स कैसे इस्तेमाल की जाती है नहीं आता। तो 3 दिन का मेरा क्लासेस रहेगा, उसमें मैं आपको हेलिक्स क्लॉकवाइज कैसे लगाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज का कब उपयोग करते हैं, इतनी बारीकी जो आज तक किसी को नहीं मालूम वो बारीकी आपको बताऊंगा। हेलिक्स हमने जो है 2013 में बनाई थी, और उसकी डिजाइन हम कहां से लेके आए वो डिजाइन भी आपको बताएंगे कि कौन सी साइट से, या हमारे गुरु कौन है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरा गुरु शस्त्र बुद्धे है या और कोई बुद्धे है। मैं किसी बुद्धे बुद्धे को जानता नहीं, सिर्फ उनके साथ मेरा रिलेशन था, माल देना माल लेना। बाकी जो मेरे गुरु हैं वो इजिप्ट में बैठे हुए हैं, डॉक्टर इब्राहिम करीम, मैंने उनसे सीखा है, और भी कई लोगों से मैंने ज्ञान लिया है, आज भी लेता हूँ, आपसे भी मैं ज्ञान लेने बैठ जाता हूँ, मुझको ज्ञान चाहिए। तो अभी जो मेरा फोकस रहेगा वो आजकल जो दिल्ली में महावास्तु खूब चल रहा है, ऐसे नागा और क्या है ये भृंगराज, ऐसे सब 44 देवता हैं जो जमीनों में डालते हैं। जमीनों में डालने के बाद क्या होता है वो सब मैं अपने क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगा। मैं इस बार जो है औरा बूस्टर, इसके ऊपर IRVUVGSCE जो लिखा रहता है, यानी रेडिएशन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि रेडिएशन बनता कैसे है, और वो रेडिएशन हम एहसास कैसे कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि रेडिएशन हमको चेक करने के लिए स्कैनर चाहिए, स्कैनर की कोई जरूरत नहीं। आप धूप में भी निकले वहां भी रेडिएशन है, आप घर के अंदर है वहां भी रेडिएशन है, आपने ट्यूबलाइट जला दी वहां भी रेडिएशन है, आपने ओवन चालू कर दिया, ओवन चालू किया किचन के अंदर वहां भी आपको रेडिएशन मिल गया, आपने टीवी चालू किया वहां भी रेडिएशन मिल गया। तो रेडिएशन आने के 200 कारण है, और वो 200 कारण जो है सिर्फ एक रेमेडीज से खत्म होती है, वो मैं रेमेडीज आपको इसमें बताऊंगा कि सबसे पहले रेडिएशन को हमको कैसे मारना है, क्योंकि एक रेडिएशन से आदमी को कैंसर होता है। बच्चे जो हमारे घर के अंदर, हमारी जो बहनें हैं गर्भवती रहती है, उनके बच्चे जो है विकलांग पैदा होते हैं, तो ये सब रेडिएशन के कारण होते हैं। उन रेडिएशन को कैसे खत्म किया जाए, इस बार मेरा जो है, मैंने अभी 5 क्लासेस 6 क्लासेस लिया था, लेकिन मैंने किसी भी क्लासेस में रेडिएशन के बारे में बात नहीं की। लेकिन अहमदाबाद में ज्यादातर लोग दिल्ली और कहां कहां से सीख के आ रहे हैं, तो मैं अपना ज्ञान उनको बताऊंगा कि एक्चुअली वास्तु है क्या। अगर हम वास्तु शास्त्र को सही हिसाब से अप्लाई करते हैं तो 2-4-10 दिन की बात नहीं, 48 घंटे में उसका रिजल्ट मिलता है। क्लाइंट हमसे पूछता है सर आपने वास्तु किया भी हमको कितने महीने में फायदा होगा, वो
बदमाश लोग बोलते हैं 6 महीने बाद धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, गलत। आप मेरे से सीखिए और मेरी थ्योरी इस्तेमाल करिए और अपने क्लाइंट से बोलिए 48 घंटे में फायदा नहीं तो पूरा पैसा वापस। माल भी जो लगा दिया उसका भी, उसको भी मैं नहीं निकालूंगा। तो 48 घंटे में आपको कैसे फायदा करेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, आपको क्लास में ही सिखाऊंगा और बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक मेरा क्लासेस रहेगा। मैं चेतन भाई से और जो भी मेरे ऑर्गेनाइजर हैं गुजरात के, क्योंकि गुजरात में तो मेरी कोई पहचान है नहीं, आप ही लोग मेरी पहचान रहोगे, तो मैं खास तौर से चेतन भाई से, चेतन पटेल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 6 की जगह पे 8 घंटा 8 बजे रात तक ये क्लास चलने दे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वास्तुशास्त्र जो है, जो भी सीखने आ रहे हैं अच्छा सा सीख के जावे, उनके दिल में कुछ ना रहे। ये मेरा पार्ट वन है, वास्तु वाइब्रेशन पार्ट वन, बेसिक टू एडवांस। ऐसा नहीं बेसिक में उनको काका गा हमें घुमा के रखूंगा, बेसिक टू एडवांस का मतलब ये है कि ये सीखने के बाद आदमी फैक्ट्री तक जाके वास्तु करेगा और 1 महीना 1.5 महीने बाद जो है मैं सेकंड लेवल यानी एडवांस सिर्फ लूंगा। उसमें फैक्ट्री है, क्लब है, आश्रम है, हॉस्पिटल है, वो एक ही वास्तु फिर आपको करना है। 4 दिन का वो क्लासेस रहेगा, उसके बाद दुनिया में किसी से सीखने की जरूरत नहीं। और आपने अब तक जिससे भी 2 लाख 4 लाख दे के सीखा है तो ये 3 दिन के क्लास में ही आप वो बुक को पाड़ के फेंक देंगे, वो सर्टिफिकेट को पाड़ के फेंक देंगे। तो आप लोग अच्छी सी तैयारी करिए। मैंने फीस भी, क्योंकि मुझको होटल वहां सस्ता मिला तो मैंने फीस भी कम कर दी, क्योंकि मैं ज्ञान को बेचता नहीं हूं। मैं चाहूं तो ज्ञान को बेचने के लिए 50,000 और 1 लाख भी फीस लूं, सब देने को रेडी है। 13,000 रुपया 3 दिन की फीस है, क्योंकि मेरे सभी क्लास 15,000 20,000 के होते थे। ये होटल मुझको अहमदाबाद में सस्ता मिला, अच्छा भी होटल है, ये भी नहीं सस्ता है तो कोई ऐसा ही फुटपाथ पे आपको बेहतरीन होटल है ये, जहाँ पे सब ज्योतिष का वास्तु का क्लासेस होता है। लेकिन इसका रेट हमको कम मिला है तो मैंने फीस अपनी कम कर दी। 13,000 रुपया 3 दिन की फीस रहेगी, 150 से 200 पेजेस, 200-250 पेजेस के नोट्स रहेंगे। जैसे हर क्लास में मैं आप लोगों को किट देता हूं वैसी किट रहेगी, लेकिन इस बार कुछ हटके रहेगी। इस बार आप लोगों को जो भी नोट्स और किट्स मिलेगा वो थोड़ा सा हटके रहेगा कि हीलिक्स को कैसे डालते हैं, एक एक दिशाओं में कहीं कहीं दो दो धातु के हीलिक्स को अप्लाई कैसे करते हैं और कब करते हैं, ये सब आपको बताएंगे हम। कोई जरूरी नहीं साउथ ईस्ट में कॉपर की हीलिक्स ही हम यूज करें, साउथ ईस्ट में हम कॉपर प्लस लीड की हीलिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है यूज करने का, उसका एक पर्पज होता है यूज करने का। ऐसा नहीं हर घर में दोनों मिक्स किया, तो ये सब आपको दिल खोल के मैं बताऊंगा, रत्न अध्याय बताऊंगा, कीलक कैसे किया जाता है, कौन से घरों में किया जाता है वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, वनस्पति अध्याय बताऊंगा और क्वेश्चन एंड आंसर। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पूछा तो मैंने टाल दिया, ऐसा कुछ हमारे क्लास में नहीं होता। आप दिन भर हमसे पूछिए, हम दिन भर आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। आप लोग अपने घर का ड्राइंग भी लेके आइए तो 4 से 5 1 घंटा जो है हम क्वेश्चन आंसर में आप लोगों के घर का ड्राइंग भी फ्री में सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, जो भी आवे उसको कुछ लेके आना नहीं है, सिर्फ खाली हाथ आना है और कपड़ा पहन के आना है, बाकी सब उसके टेबल पे रहेगा। आप लोग रजिस्टर करना है तो चेतन पटेल या जो भी गुप्ता जी हमारे हैं या फलक है, इन लोगों को अपना नाम और नंबर, आपका फोटो और कुछ एडवांस, जब तक आप देंगे नहीं, जब तक हम आपको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। तो अहमदाबाद मेरा नया शहर है, तो आप लोगों की मुझको वहां जरूरत लगेगी, क्योंकि मैं आप लोगों के ही भरोसे आ रहा हूं
और ऐसा क्लासेस लूंगा कि आप बोलोगे सर अगले महीने और ले लो, अगले महीने और ले लो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये क्लास को अटेंड करो। अच्छा नहीं लगेगा तो पैसा रिटर्न ले लेना, लेकिन आप लोग इस क्लास में आइए, सब नई थ्योरी सीखने को मिलेगी और नई टेक्निक कि कैसे क्या किया जाता है जो आज तक कोई नहीं बताया। सब बकवास है, गुरुजी हैं फलाने गुरुजी हैं आचार्य की डिग्री दे रहे हैं, कुछ नहीं, आपको डॉक्टर बना के मैं निकालूंगा, वो भी चीड़ फाड़ वाला डॉक्टर जो बोलते बिना तोड़ फोड़ वास्तु नहीं होता, उनको मैं बताऊंगा कि बगैर तोड़े फोड़े वास्तु होता ही नहीं है। आपने अगर तोड़ा नहीं तो वास्तु हुआ नहीं। तो ऐसी बहुत सी बातें रहेंगी और बहुत लंबा चलेगा वो क्लासेस हमारा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को ज्वाइन करिए और एक नई दुनिया में प्रवेश करिए, बिल्कुल नई टेक्निक और पारंपरिक टेक्निक। ऐसा नहीं कि मैंने सपना देखा और आपको कुछ बता दिया, तो 100% ओरिजिनल घटनाओं के ऊपर जो है आधारित हमारी रेमेडीज रहेगी 100%। एक तरफ स्कैन पे आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे कि ये देखिए ये घर को कैसे हम हीलिंग से डालते हैं, दूसरी तरफ मेरा लेक्चर चलता रहेगा, तो नोट्स ये वो बुक सब आपको आपके टेबल पे ही मिलेगी। आप लोगों की आईडी और सर्टिफिकेट बंबई से ही बन के जाएगी, तो इसलिए आप लोग अपना फोटो और नाम और कुछ पैसा एडवांस ये हमारे जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उनके अकाउंट में आप डाल दीजिए, उनको अपना फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए। और बाकी मुलाकात जो है मैं 26 तारीख को ही अहमदाबाद आ जाऊंगा, 27 की सुबह जो है 9 बजे मैं आप लोगों से मिलूंगा। धन्यवाद, मस्त रहो, व्यस्त रहो।